हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। तो देखिए, आपके लिए अच्छी खबर ये है कि जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के, उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार अभी भी 85% लोग ऐसे हो, 80-85% लोग ऐसे हो जो सिर्फ वीडियोज़ देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो सब्सक्राइब करो ताकि जो भी वीडियो आए आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप अपडेट रहो जो भी नई न्यूज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जितने भी कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। चाहे एडीसी हो, सीएमपी हो, आईएचटीसी, एसएस खन्ना, जेटी, जितने भी हैं यहाँ पे, मैंने 4 ही कॉलेजेस के नाम लिखे हैं। तो जितने भी यहाँ पे एफिलिएटेड कॉलेज हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, सभी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। कैसे क्या है पूरा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा आप सभी। तो यहाँ पर जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन सेम वैसा ही होगा जैसे यहाँ पे मेन कैंपस के लिए हो रहा है। कहने का मतलब, जो मेन कैंपस की वेबसाइट पे आपको, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन है, वहीं से आपको सभी के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। चाहे आप सीएमपी में एडमिशन लेना चाहते हो, आईएचटीसी में लेना चाहते हो। कहने का मतलब, जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं जो कि अभी पोर्टल खुला है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं अभी, और जो लास्ट डेट है उसकी 15 अक्टूबर तक है, ठीक है। 5 अक्टूबर से यहाँ फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 15 अक्टूबर तक यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे। अभी डेट बढ़ने की कोई मतलब चांस नहीं है लग रहे हैं, ठीक है। चांस कहने का मतलब, अभी केवल 15 तारीख तक के ही लिए खोला गया है। आगे डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर आपको 15 तारीख तक कहा गया है तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लो, ठीक है। अब आप सोचोगे कि अगर हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो क्या सीएमपी में अलग से रजिस्ट्रेशन होगा? जी नहीं, रजिस्ट्रेशन आपका सिर्फ एक बार ही होगा, बाकी कट ऑफ जो रहेगी आपकी अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग निकलेगी, ठीक है। डाटा आपसे पूरा यहाँ पे भरा लिया जाएगा। एयू के सभी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, ठीक, तो रजिस्ट्रेशन आपका एक जगह पे होगा। इस बात को अच्छे से समझिए, रजिस्ट्रेशन आपका एक जगह पे हो जाएगा, जो कि फ़ीस लगभग यहाँ पे है 250 और 150। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों की 250 फ़ीस रहेगी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद जो बाकी कैटेगरीज बचती हैं उनका फ़ीस जो है 150 लगेगा। और रही बात यहाँ पे कट ऑफ की, देखिए रजिस्ट्रेशन जब आपका हो जाएगा तो यहाँ पे मेन कैंपस की अलग से कट ऑफ निकलेगी। अगर आप उस कट ऑफ में रहेंगे तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, अदरवाइज़ सभी कॉलेजेस की, जैसे सीएमपी हो गया, आईएचडीसी हो गया, जितने भी यहाँ पे एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनकी भी कट ऑफ अलग अलग निकलेगी। इससे होगा क्या, आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, आप एक ही रजिस्ट्रेशन पर सभी कॉलेजेस के लिए अवेलेबल रहोगे। कहने का मतलब, एक बार आप रजिस्ट्रेशन यहाँ से करा लोगे मेन कैंपस वाली वेबसाइट से, तो आप किसी भी कॉलेज में अगर आपका उतना कट ऑफ है तो आप इजीली वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो जल्दी से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, लास्ट डेट का वेट मत करना, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक अब बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक केवल मेन कैंपस का हो रहा था। अब यहाँ पर जितने भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एडमिशन लेना चाहते हो सभी लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो बेटर ये रहेगा रजिस्ट्रेशन आप अपना पहले ही करा लो, ताकि लास्ट डेट में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो वीडियो में इतना ही था, वीडियो को शेयर करिएगा, जिनको नहीं पता है उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि अभी तक ये लग रहा था कि सीएमपी या जितने भी अदर एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनका अलग से रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा।